हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कैंटन। सो गाइस, यहाँ पर बना रहे हैं हम लोग खाना। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो गया था वैसे खाना बनाने में, और सभी को भूख लग गई थी, तो इसी वजह से हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। तो इसीलिए दीपाली वहाँ पर मुझे हेल्प कर रही है रोटियाँ बनाने में, और मैं यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ। एक्चुअली ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी थी, ऐसे ही गूँथ के रख दिया था उसने आटा। एक्चुअली मैं यहाँ पर बेसन बना रही हूँ, कुछ मराठी ही से पिठलं भी बोलते हैं। मैं कैसे बना रही हूँ आपको बता दूँ। सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसके बाद मैंने प्याज डाला है, प्याज को होने दिया, उसके बाद मैंने टोमेटो ऐड किया उसमें और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। और जब लहसुन अदरक मैंने कूटा था उस टाइम ही मैंने थोड़ी सी मिर्च भी कूटी थी, हरी मिर्च, तो वो भी डाल दी थी। तो यहाँ पर हमारा मसाला रेडी है, इसमें मैं ऐड करूँगी अभी पानी, और पानी को बॉईल होने दूंगी, और उसके बाद उसमें बेसन ऐड करना है। बहुत ही सिंपल है गाइस, ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। जल्दी से अगर कुछ बनाना हो आपको तो ये चीज़ आप बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन बस थोड़ा सा बॉयल होने के बाद ही आपको बेसन उसमें ऐड करना है, मतलब गाँठे गाँठे पड़ेगी, बट उसको गाँठों को फोड़ते रहना है आपको, वैसे ही नहीं रखना है, नहीं तो वो बेसन कच्चा रह जाएगा। बस यहाँ पर मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ वैसे आपको करना है और फोड़ते जाना है। तो बस यहाँ पर बेसन रेडी है हमारा, उसके ऊपर ढक्कन रख के थोड़ी देर पका लूँगी और बस हो जाएगा बेसन हमारा रेडी। यहाँ पर दीपाली रोटियाँ भी बना रही है, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह पड़े थे तो वो भी अपने क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर बैठे हैं हम लोग खाना खाने के लिए गाइज। एक्चुअली रात के भी सब्जी थी और ये वाला बेसन भी, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना था आज का। पहले देखो ना, हम लोग तीन चार ही लोग बैठे थे साथ में, बट अभी इतने लोग साथ में बैठ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है खाना खाने का। एक्चुअली हम लोग वेट करते हैं इनके ड्यूटी से आने का, और उसके बाद ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब तक हमारा नाश्ता वगैरह होता है, तो हम लोगों को इतना ज़्यादा भूख भी नहीं रहती है, तब तक हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और ये ड्यूटी से आते हैं तो उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा लगता है सबके साथ खाना खाना। बस यहाँ पर जो खाना खाने के बर्तन थे वो मैं क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो गाइज, फाइनली मुझे ये पार्सल मेरा रिसीव हो गया है, और इतनी दिनों से मैं वेट कर रही थी इस पार्सल का। एक्चुअली ये जो है वॉच है गाइज, मतलब इन्होंने मेरे लिए ऑर्डर की है ये, और ये टाइटन की वॉच है। एक्चुअली ये जो टाइटन की वॉच है मेरे, मतलब मेरे नहीं, इनके कार्ट में मैंने डाल के रखी थी। पता नहीं मतलब इनके कार्ट में क्यों डाल के रखी थी मैंने, ये मैंने इनके कार्ट में 3 या 4 महीने पहले से डाल के रखी थी, बट मेरा ऐसे खुद से मन नहीं कर रहा था इतनी महंगी वॉच लेने का, बट फाइनली इन्होंने मुझे दिला दी ये वॉच। एक्चुअली जब मैंने पिछली बार इनके लिए वॉच ली थी ना, उस टाइम ही उनको लगा था कि मैं भी उसके लिए वॉच लूँ, क्योंकि बर्थडे पे इन्होंने मुझे सिर्फ कुर्तीज ही दी थी, तो इसी वजह से ये वॉच मुझे अभी इन्होंने बर्थडे के लिए समझ लो ऐसे ही गिफ्ट समझ लो ये वॉच दी है। और आप देखो ये वॉच कितनी सुंदर है, क्यों मेरा इस पर दिल आ गया था ये देखिए, वाओ बहुत ही सुंदर वॉच है गाइज, देखो इतनी सुंदर वॉच है आपको क्या ही बताओ। मतलब कॉपर कलर में है पूरा, शाइन देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा इसकी शाइन कितनी ज़्यादा है, कितना सुंदर डायल है, फ्लैट डायल है, राउंड डायल है, बड़ा सा डायल है। उसके बाद यहाँ पर ये स्वारोस्की स्टोन्स लगे हैं, ये देखो यहाँ पर ये पूरा उसका, मतलब क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट जो बोलते हैं ना, क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है। और यहाँ पर स्वारोस्की स्टोन्स लगे हैं, यहाँ पर भी स्वारोस्की स्टोन्स लगे हैं। इतनी अच्छी पैकेजिंग होके आई है ये वॉच, आपको मैं पहन के दिखा देती हूँ मुझ पर कैसी लगती है। ये देखिए गाइज, इतनी प्यारी लगती है वॉच पहनने के बाद। और यहाँ पर ये जो है ना, ये बंद वॉच है अभी, ये येल्लो जो है ये निकालना पड़ेगा और उसके बाद इसे ऑन करना पड़ेगा। तो बहुत ही प्यारी लगी, एक कली भी निकाल के लानी पड़ेगी इसकी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये वॉच, और मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ इस वॉच से कि आपको क्या ही बताऊँ गाइज। वैसे इसकी प्राइस ज़्यादा है, बट अभी अमेज़ॉन पे सेल चल रहा है तो मुझे ये कम प्राइस में मिल गई है, तो मतलब काफ़ी अच्छे डील में ये मुझे वॉच मिल गई है। तो अगर आपको देखनी है, अभी मैं इसकी प्राइस आपको नहीं बताऊँगी, अगर प्राइस आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है इसका, चेक कर लीजिए। अगर आपको परचेस करना है तो परचेस भी कर सकते हो आप, बहुत अच्छी डील आपको मिलने वाली है अभी। बहुत ही सुंदर वॉच है गाइज, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरा तो दिल आ गया है। इन्होंने क्या करके रखा है यहाँ पे, बेसिन पूरा निकाल के रख दिया यहाँ का,
क्यों वो भी आपको बता देती हूँ। ये पूरे स्टोन्स यहाँ पर डालने हैं, काफ़ी दिन हो गए ये स्टोन्स डालना है करके इतना लेट हो गया है, तो ये स्टोन्स डालने हैं। मैं नहीं गई थी, ये ज़्यादा कलरफुल लाने थे ना, और लाने थे फिर दूसरी जगह से लाने थे। अरे यार इन्होंने, मैं जाती इनके साथ तो ठीक रहता। ये देखो कलरफुल चाहिए थे मुझे, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल चाहिए थे, मतलब ये ऐसे सारे कलरफुल चाहिए थे ये पूरे स्टोन, बट इन्होंने देखो क्या लाया, ये ऐसे नहीं चाहिए थे मुझे, इसी वजह से मैं जाती हूँ इनके साथ हमेशा। आदविक को लेके चले गए और देखो ये क्या लेके आए, ठीक है मतलब ऐसे भी चाहिए थे बट ज़्यादातर ऐसे कलरफुल चाहिए थे। देखो अभी डाल के देखते हैं ये वाले स्टोन कैसे लगते हैं इसमें, बट मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है ये, और ज़्यादा चाहिए अभी, बार बार थोड़ी ना खोलना होगा ये। देखो ये पूरा ओपन करके रख दिया, अब ये लेके आ गए, मेरी भी गलती है, मैंने बताना था इन्हें, बट उन्हें भी क्या पता कि मुझे कैसे चाहिए, मैं जाती उनके साथ तो लेके आती। अरे यार मुझे नहीं चाहिए थे ये ऐसे, देखो क्या है ये इसमें लग डालोगे क्या ऐसे? हाँ नहीं लेकिन देखो स्पेशल वॉशेस चला रहा है, देखो ये, देखो ये अभी धो के रखे हैं इन्होंने क्या है, तो ये अपने पास थे, हमारे पास थे ये, मुझे नहीं अच्छे लगे, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, हाल तो मैं पैसे वेस्ट गए अपने ये वाले इसमें। अरे मैंने बहुत उसको एक एक कर चेक करके लाया, चेक करके नहीं, सारे कलरफुल चाहिए थे, एक भी ऐसा नहीं चाहिए था, या तो व्हाइट नहीं तो फिर ये कलरफुल, ये नहीं चाहिए थे। अरे मैं क्या बोल रहा था, ये नीचे रखो ऐसे, नीचे रखने से भी अपना पैसा तो वेस्ट गया ना, ये बोल रही हूँ मैं, अपने पैसे तो गए ना इसमें, अभी जान दो डाल दो, मुझे नहीं अच्छे लगे, लेकिन ये बाद में एक बार फिर देखेंगे, लेकिन बार बार थोड़ी ना निकालना होगा ये, आपके लिए निकाल देंगे, नहीं निकालना होता है बार बार ये, बाजू हटो बेटा, एक बार फिक्स कर दिया, मैंने सोचा था कि वो एक बार फिक्स कर देंगे, आप एक बार फिक्स कर लगा के देखेंगे अच्छे लगेंगे। एक मिनट लाइट ऑन करके देखती हूँ, देखो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, अभी वो कलरफुल लगा हुआ हाँ, एक एक जगह पे वही करना, वही नहीं अच्छे ही नहीं लग रहा है, वही करना वाला था बोल रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे ना ये, दिन बाद आदत पड़ जाएगी, मुझे नहीं अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगा, आपको तो कुछ भी अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा तो लग रही है, इसी वजह से बोलते हैं ना कि ये जेंट्स को समझ में नहीं आता इसका कुछ भी, लेडीज का ही काम है ये, मैं नहीं जाना था इनके साथ। देखो अब ये देखो ये वाइट वाले बड़े बड़े हैं, क्या कलरफुल वाले ही चाहिए थे, इस साइड से डालो, इस साइड से कम है ना, ये साइड में, हाँ बस बस ठीक है, ये लो, लग जाएगा बाजू, अभी कलरफुल डाल के देखो और देखना कलरफुल कैसे लगते हैं, देखो है ऐसे चाहिए थे बारीक बारीक वाले कलरफुल सारे, अभी हो सकता है क्या छोटे वाले कलरफुल गड़बड़ हो जाएंगे दिखने में, अच्छे ठीक है, अब देखते हैं ग्लास लगा के अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, बट मुझे तो बारीक वाले भी ज़्यादा कलरफुल चाहिए थे। वो ऐसे डाल दो, हाँ डालो ही मत, वो रहने दो, अच्छे दिखेंगे यार सही में, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छे दिखेंगे ना, बात तो है ना,
ये देखो ये ऐसे पास से देखो आप ऐसे लग रहा है ये। ठीक है रख दो अभी ये अपने पास है और दो चार लोगे। हाँ लाओ वो दूसरे दिखाओ। हाँ हाँ ऐसे ही चाहिए ये ठीक लग रहा है। अरे भाजी आलू थोड़ा वो कैसे मिक्स ठीक लगता ना अलग। ठीक है डालो अधिक। रखो ग्लास लगा के देखेंगे तब पता चलेगा कैसे होंगे। तो ये पता है कि अभी ये पट्टियां भी नहीं निकाली उन्होंने। नहीं वो रहने दो ना वो ढक जाएगी पूरी। ढकेंगे अच्छे तो लगेंगे ही आपको। हाँ, आप जो गए थे पापा के साथ लाने। हाँ, पर अच्छे तो बहुत लग रहे हैं कलरफुल वाले भी अच्छे लग रहे हैं। फैलाना नहीं चाहिए। ठीक है अभी ग्लास लगने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसा लुक आता है। तो कैसा लग रहा है ग्लास वास लगने के बाद बेसिन क्लीन होने के बाद। ये देखिए मुझे ना थोड़े से ज़्यादा कलरफुल स्टोन्स चाहिए थे बस वही थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया बाकी कुछ भी नहीं है। थोड़े ज़्यादा कलरफुल स्टोन्स चाहिए थे। देखा ये भी अच्छा लग रहा है वैसे बट ज़्यादा कलरफुल स्टोन होते ना और ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो ये कुछ इस तरह से लगता है। अच्छा तो लग ही रहा है। काफी दिनों से ऐसे खाली खाली लग रहा था अब अच्छा लग रहा है। ये क्या है ये तो पूरा बेसिन भी चढ़ जाता है। देखो इसके अंदर का इसके अंदर का देखो कितना साफ है। हाँ दिखा दे पानी स्लो नहीं हो गया वो फास्ट हो गया क्या देखो कितना फास्ट हो गया। बराबर है चलो ये ड्यूटी जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर भाई भाभी निकल रहे हैं गाँव जाने के लिए। ये देखो जावेद आएगा असं नहीं करायचं अद्विक असं नाही करायचं बेटा हे घे हे घे हे घे च मापले चल ये माझ्या जवळ अरे तू येतो ना माझ्या घरी अजय तू येतो ना महालक्ष्मी अजय इकडे पाय अजय बघ ना बेटा मग आपल्याला जायचंय ना महालक्ष्मीच्या वेळेला आता जायचंच आहे ना हे बाळा आपल्याला जायचं आहे ना बाळा मग तू जाता का आजी सोबत अजयकडे जायचं आहे ना तुला जायचं आहे का तुला आजी सोबत जायचं आहे का जायचं आहे का आजी सोबत इकडे बघ ना आजी चालली ना मग बघ ना इकडे बघ ना
साध्विक, बाय बाय बाय, चल 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 ना, बाय बाय अद्विक, अद्विक अद्विक बग ना, नहीं बहना, चलो बाय बाय। चलिए गाइज, मम्मी गई है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, मम्मी भाभी और भाई थे तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था, बट क्या करें, उनको भी जाना है, घर पे प्रोग्राम है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो चलिए गाइज, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज, ध्यान रखना अपना।